हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे गेट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, इन ऑक्सी हेमोसाइनिन द कोऑर्डिनेशन नंबर, मोड ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग, कलर एंड द नेट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉपर आइंस रिस्पेक्टिवली आर। गेट 2020 का क्वेश्चन है, बायो इनऑर्गेनिक से है। क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है कम्प्लीटली ऑक्सी हेमोसाइनिन पे, ऑक्सी हेमोसाइनिन पे। तो जो हेमोसाइनिन होता है ना, वो हमारे पास बेसिकली एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। और ये होता है इनवर्टिब्रेट्स में। जैसे अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं, तो उनमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जैसे ह्यूमंस में, मैमल्स में। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में ऑक्सीहेमोसाइनिन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लू कलर का होता है। बट लेट्स सी कि क्यों ब्लू कलर का होता है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सारे जो आंसर्स है वो इसके स्ट्रक्चर में छुपे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो कॉपर्स होते हैं, और हर एक कॉपर जो है वो नाइट्रोजन ऑफ फिस्टिडीन से अटैच्ड होता है। इस तरह से नाइट्रोजन ऑफ फिस्टिडीन, नाइट्रोजन ऑफ फिस्टिडीन, ये वाला जो कॉपर है वो भी एन नाइट्रोजन ऑफ फिस्टिडीन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन और नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, इस तरह से कनेक्टेड होता है। और इन दोनों के बीच में इस तरह से जो है वो ब्रिज होता है, किसका, ओ टू नेगेटिव का। ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं। कॉपर जो होता है वो प्लस टू स्टेट में होता है। अगर मैं ऑक्सी हेमोसाइनिन की बात करूं, तो हाँ कॉपर प्लस टू में होता है, कॉपर प्लस टू में होता है ऑक्सी हेमोसाइनिन में। लेकिन डी ऑक्सी में कॉपर प्लस वन होता है। प्लस टू में होने की वजह से इसकी कॉन्फिग्रेशन होते हैं D9, और D9 की वजह से ब्लू कलर का होता है। ऑक्सी हेमोसाइनिन इज अ ब्लू कलर ड्यू टू D9 कॉन्फिग्रेशन। अगर डी ऑक्सी की बात करूं, तो वो कॉपर प्लस वन होता है। बट यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, डी ऑक्सी नहीं गिवन, तो हमें सिर्फ ऑक्सी को कंसिडर करना है। तो बी सी ओ डी में से एक करेक्ट होगा, ए और बी जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। और कलरलेस होता है वो, डी ऑक्सी हेमोसाइनिन कलरलेस होता है। और अगर मैं बात करूँ पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की, तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो कॉपर्स हैं, दोनों प्लस टू में है, दोनों D9 है। इनकी जो होती है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। ये जो होते हैं वो आपस में एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल करते हैं, मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से इनका जो होता है, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक होते हैं, दे आर डायमैग्नेटिक। बट यहाँ पे दोनों जगह डायमैग्नेटिक गिवन है, तो इस बेस पे हम करेक्ट ऑप्शन नहीं बता सकते। बट रीजन मैंने बता दिया कि यहाँ पे D9 की वजह से एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर एक मतलब दोनों कॉपर्स आइडेंटिकल है, अगर एक को देखोगे तो वो एक दो तीन चार पांच, पांच बॉन्ड्स बना रहा है लिगेंड्स के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 5, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट है, डी जो है वो रॉन्ग है, ये कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे अगर मैं लिगेंड की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास म्यू का मतलब होता है ब्रिजिंग, ईटा ईटा टू हेप्टासिटी है। यहाँ पे जो मेरे पास ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो है ओ टू टू नेगेटिव, ओ टू नेगेटिव, सॉरी, सुपर सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओ टू नेगेटिव होता है सुपर ऑक्साइड। तो इस तरह से ब्रिज्ड होता है दो कॉपर्स के बीच में, ठीक है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं म्यू, म्यू इस वजह से क्योंकि ब्रिज्ड है, ठीक है। ईटा टू ओ टू नेगेटिव, यहाँ पे ओ टू नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ईटा 1, ईटा 1 मतलब हेप्टासिटी 1, हेप्टासिटी 1 मतलब ये एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं, हर एक जो ऑक्सीजन है वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितनी उसकी हेप्टासिटी है। तो सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। हर एक बात के मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि क्यों ब्लू कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास D9 कॉन्फिगरेशन होती है, और क्यों ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 क्यों है क्योंकि ये पांच बॉन्ड्स बना रहे हैं लिगेंड्स के साथ, इसका जो ब्रिज्ड लिगेंड है वो है ओ टू नेगेटिव सुपर परऑक्साइड, वो ब्रिज्ड है दो कॉपर्स के बीच में, हेप्टासिटी इनकी 2 है क्योंकि ये दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2022 स्टेट्स द कैलकुलेटेड मोमेंट ऑफ अ सीरियम 3+ कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हमें एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें गिवन है सीरियम 3+, इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास ज़ीनोन 4F1, 5D1, 6S2। सीरियम 3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, तो यहां से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आते हैं 4F1,
इसका मतलब है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी एफ ऑर्बिटल में. एफ के पास जो होते हैं, एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये है +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से है, कैपिटल एस इसका हाफ है, प्लस हाफ. ठीक है, स्पिन जो स्पिन मोमेंट है वो है प्लस हाफ. एल की वैल्यू है इसमें +3. ठीक है, एस जो होता है वो होता है स्पिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम. एल होता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. उसके बाद अगर मैं जे की बात करूं, तो क्योंकि जो जो ऑर्बिटल है वो लेस देन हाफ फिल्ड है, तो जे की वैल्यू जो होगी वो होगी एल प्लस एस फॉर लेस देन हाफ फिल्ड, क्योंकि लेस देन हाफ फिल्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जे की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 + 1/2, विच विल बी इक्वल टू, सॉरी लेस देन हाफ फिल्ड में एल माइनस एस होता है ना, सॉरी, तो यहाँ पे होगा एल माइनस एस, सो दिस विल गिव यू 5/2. और अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मोमेंट की, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जी रूट जे जे प्लस वन. जे जो होता है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ये जो होता है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, और जी जो है वो होता है हमारे पास लैंड फैक्टर, और इसकी वैल्यू होती है 1 + s, s + 1, +j, j+1, -l, l+1, /2j, j+1. ठीक है, हमने सारी वैल्यूज जब इसमें पुट की, और अगर मैं इसको लेट्स से सिंपलीफाई भी करूं, तो हमारे पास आएगा 1 + 1/2, 3/2, +s, s+1, -l, l+1, /2j, j+1. इसको सिंपलीफाई करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने इस चीज को जो है वो सेपरेट कर लिया इस रेशियो से. और यहाँ पे अगर मैं एस की वैल्यू हाफ पुट करूँ, एल की वैल्यू 3 पुट करूँ, और जे की वैल्यू जो है 5/2 पुट करूँ, तो यहाँ से मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी. ये और जे की वैल्यू पुट करने के बाद, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद म्यू की वैल्यू आएगी 2.52 बोहर मैग्नेटोन. एनएटी टाइप ऑफ क्वेश्चन था, 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यू बताई है, 2.52 बोहर मैग्नेटोन. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए थी, फॉर्मूला पता होना चाहिए था, जी की वैल्यू, लैंड फैक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हो तो प्लस हाफ होता है, एल की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए थी. दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स एन एफिशिएंट कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स इज दिस. दिस इज बेसिकली आर विल्किंसन कैटलिस्ट. हाउएवर इरिडियम PPH3 3Cl डज नॉट कैटलाइज दिस रिएक्शन बिकॉज़ गेट 2015 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है. ठीक है, तो हमें अगर मैं बात करूं इस कॉम्प्लेक्स की, RH PPH3 3Cl, ये यूज होता है ऑलिफिन्स और एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन में, एल्कीन्स की हाइड्रो जिनेशन में. और यहाँ पे हम हमारा जो क्वेश्चन है या जो आंसर है वो बेस्ड है इसके मैकेनिज्म पे और इसके कैटालिटिक साइकिल पे कि कैसे वर्क करता है. तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स गिवन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, PPH3 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 और Cl. अब क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में लिगेंड डिसोसिएशन होगी सॉरी लिगेंड डिसोसिएशन होगी, एक जो PPH3 है वो रिमूव हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा 3. ठीक है, -PPH3. उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्पेस बन गई, जैसे यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बनी, उसके बाद हमारे पास होगी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो वो किस तरह से होगी, हमारे पास इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एच, यहाँ पे आ जाएगा एच, ये होगी हमारे पास होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन. अब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 5. नेक्स्ट स्टेप में हमारी एल्कीन की इंसर्शन हो जाएगी, ऑलिफिन की इंसर्शन हो जाएगी, इंसर्शन. ठीक है, तो हमारे पास किस तरह से होगा, यहाँ पे हमारे पास लेट्स से ऑलिफिन की इंसर्शन होगी. ठीक है, अब इसको ना हमें वैसे इस तरह से शो करना चाहिए, यहाँ पे PPH3, यहाँ पे ऑलिफिन की इंसर्शन होगी. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6. नेक्स्ट स्टेप में होगा माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करके आएगा यहाँ पे. अब ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके अगर यहाँ आएगा, तो हमारे पास इस तरह से
हाइड्रोजन ऐसे अटैच हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 5। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगी रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन मतलब ये जो है ये पूरा निकल जाएगा और हमारे पास फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 3। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में फिर से जो पहले स्टेप में लिगेंड एसोसिएट हुआ था वो फिर से वापस आएगा, तो लिगेंड एसोसिएशन होगी और हमारा जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स था, इनिशियल जो हमारा कैटलिस्ट था वो रीजनरेट हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। तो ये इसकी कैटलिटिक साइकिल है, मैंने इस तरह से शो कर दिया। पहले स्टेप में लिगेंड एसोसिएशन होगी, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी H2 की, उसके बाद एल्कीन की इंसर्शन होगी, उसके बाद एक हाइड्रोजन माइग्रेट करके जाएगा एल्कीन पे, ठीक है। उसके बाद होगी रिडक्टिव एलिमिनेशन और हमारा जो एल्केन है मतलब जो हाइड्रोजनेशन के बाद हमें एल्केन प्रोडक्ट मिला वो हम वहां से जो है वो रिमूव कर लेंगे और हमारा जो लिगेंड है, जो हमारा कैटलिस्ट है वो रिजनरेट हो जाएगा। अब ये कैटलिटिक साइकिल का पहला स्टेप जो है वो लिगेंड के डिसोसिएशन है। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, इरिडियम PPH3 थ्राइस Cl, यहाँ पे जो इरिडियम PPH3 बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि डिसोसिएट नहीं कर पाता इजीली, जिसकी वजह से हम इसको एज अ कैटलिस्ट नहीं यूज कर पाते फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि कैटलिटिक साइकिल का पहला स्टेप ही नहीं कर पा रहा तो बाकी की साइकिल तो कैसे ही कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से कह सकते हो कि जो इरिडियम PPH3 है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई है और ये पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप क्या था कैटालिटिक साइकिल का, लिगेंड डिसोसिएशन, उसको कर पाने में नहीं एबल, ठीक है, ये नहीं कर पा रहा उसको, तो इसकी वजह से वी कैन नॉट यूज दिस एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। और इसको इस तरह से जनरलाइज कर लो कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होता जाता है, वो मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर किसी भी साइकिल में ये एक की स्टेप है तो ध्यान रखना कि हम डाउन वाली मेटल्स को, बॉटम वाली मेटल्स को एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं कर पाते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट PPH3 बाइंड स्ट्रॉन्गर टू इरिडियम देन टू रोडियम, ठीक है। तो ये जो था वो एक्सप्लेनेशन थी, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज अ करेक्ट आंसर। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन स्टेट्स फॉर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप 131 आयोडीन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% डिसइंटीग्रेशन इज 8 डेज, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% डिसइंटीग्रेशन ऑफ 5.5 ग्राम आयोडीन 131 इज हाउ मेनी डेज। तो गेट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो NET टाइप ऑफ क्वेश्चन है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। हमें गिवन क्या है कि हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोई, इसको 50% डिसइंटीग्रेशन करने में इतना टाइम लगता है, मतलब ये हमें हाफ लाइफ गिवन है 8 डेज, ठीक है। हाफ लाइफ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं विच इज 0.693/T½, क्योंकि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो के होता है रेट कांस्टेंट, उसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। आप चाहो तो इसको के भी लिख सकते हो, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 0.693/8, विच विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.08666 डे इनवर्स, क्योंकि पर डे में था ना, जो टाइम था वो डेज में था, तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा डे इनवर्स। अब हमें निकालना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% डिसइंटीग्रेशन, तो अगेन हमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है जो क्या कहता है कि टाइम इज इक्वल्स टू 2.303/λ log N0/N, हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। टी जो है वो टाइम है, लैम्डा हमें पता है डीके कांस्टेंट है, एन नॉट क्या है, एन नॉट है हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी के बाद जो एन एन है वो है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर टाइम, ठीक, कितने बच गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 99.9% डिसइंटीग्रेशन करने में कितना टाइम लगेगा, तो एन नॉट जो है हम अगर सपोज कर ले कि 100 है, कि इनिशियली हमारे पास 100 पार्टिकल्स है, इतने डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, ठीक है, तो बचे कितने हैं, बचे हैं अगर मैं 100 में से 99.9 माइनस करूंगी तो वो आएगा 0.01, तो इतने पार्टिकल्स बच चुके हैं, तो यहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू पुट करनी है, बिकॉज दिस इज पार्टिकल्स लेफ्ट, दिस इज इनिशियल पार्टिकल्स, कि अगर मैं 100 लेके चली तो हमारे पास कितने पार्टिकल्स लेफ्ट है, तो हमें सिर्फ इन वैल्यूज को पुट करने हैं, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू 2.303/λ व्हिच इज 0.0866 डे इनवर्स, लॉग एन नॉट है 100
और ये है हमारे पास पॉइंट, एक्चुअली इट शुड बी पॉइंट वन, सॉरी, ठीक है, योगा पॉइंट वन, तो 100/0.1, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 80.33। हमें एक डेसिमल प्लेस तक बताना है, सो 80.3 डेज, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था वो रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन था, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए था कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे जो हमें गिवन होता है ना कि आफ्टर दिस मच डिसइंटीग्रेशन, कि इतनी डिसइंटीग्रेशन को कितना टाइम लगा, तो हमें इस फॉर्मूला में ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है कितना बच गया, न्यूमिनेटर होता है कितना हम इनिशियली लेके चले। ठीक है, बस थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना था, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आज हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।